एक ऊंचे टीले पर खड़ा गडरिये का लड़का दूर जंगल की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया भागो। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जवान बुलंद आवाज बहुत देर तक गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से दो तीन बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को पकड़ कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। आरोप यही था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकता। तो जवाब मिला, वो नहीं आ सकता। क्यों? वन विभाग के अफसर ने चिट्ठी भेजी थी कि शेर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि उसने थोड़े ही दिन हुए कायाकल्प करवाई है। ये अफवाह है। हमने वन विभाग से पूछा था और हमें ये जवाब मिला था कि शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा लिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन अहिंसा में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या यह जवाब झूठा नहीं हो सकता? तो सबने एक जबान होकर कहा, हमें वन विभाग के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की शपथ उठा चुका है, हलफ ले चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये हलफ झूठा नहीं हो सकता? तो जवाब मिला, हरगिज नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो। लड़का मुस्कुराया। खुदा का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो आने वाला। मैं वन विभाग का सच बोलने वाला अफसर भी नहीं। तो पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गडरिये के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी सालों से स्कूल की क्लासों में पढ़ाई जा रही। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा और तुम्हारी ही बोटी चबा डालेगा। गडरिये का लड़का मुस्कुराया। मैं तो उससे लड़ूंगा, मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो आज की कहानी नहीं है। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है कि शेर की बजाय कोई गीदड़ ही इधर आ जाए। इस हैवान को भी रोकना चाहिए। तो सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो तुम, गीदर से डरते हो। गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर भयभीत रहता हूं, और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूं। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों से वो किताब हटा दो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बुड्ढे ने खांसते खकारते हुए कहा, ये लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, हमें सीधे रास्ते से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी सीधी लकीर नहीं है मेरे बुजुर्गों। तो दूसरे बूढ़े ने आक्रोश में कांपते हुए कहा, ये नास्तिक है, ये अधर्मी है, उपद्रवियों का एजेंट है, इसको फौरन जेल में डाल दो। और साहब, गडरिये के लड़के को जेल में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ।
हड़ताल मच गई। कुछ लोग बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिया। मूछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जब शेर जेल के पास से गुजरा तो उसने मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे गडरिए के लड़के को देखा और दांत पीस कर रह गया। गडरिए का लड़का मुस्कुराया, दोस्त ये मेरे बुजुर्गों की गलती है, वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चख लेते हैं।